तुम सब ठीक हो कामनी? कामनी, मैं चारों तरफ एक घेरा बनाऊंगा, उससे बाहर मत निकलना। इस घेरे के अंदर रहना होगा। घबरा मत कामनी, जब तक हम इस घेरे के अंदर हैं, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसकी बात मत सुनना। देखो, कोई डरने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ हैं। रमन, हम इसे हरा के तुम्हें बचा सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, नो नहीं, रमन रमन प्लीज रमन, नहीं नहीं नहीं, नो रमन, मार दूंगा मैं।
ये 10,000 रुपए का इंतजाम ही कर पाया मैं भी, और हॉस्पिटल में डॉक्टर ने भी ऑपरेशन करने से मना कर दिया। मैंने दाई को बोल दिया है, वो भी आती होंगी। ये लोग कौन है? और तुम्हें कैसे पता कि इन दोनों के आने से वो आत्मा काबू में आ जाएगी? जब लता की आत्मा से मैं रमन को उस कमरे में बचा रहा था तो मैंने देखा कि लता अपने बच्चे को जन्म देते हुए मर गई। और जब लता ने अपने बच्चे को देखा तो उसकी आत्मा को मुक्ति मिल गई। अपने बच्चे को प्यार करने की, उसे बड़ा करने की ख्वाहिश अधूरी रह गई। लता मर गई मगर उसकी आत्मा तड़पती रही अपने बेटे के प्यार के लिए। और फिर जब रमन और उसके दोस्तों ने खेल खेल में आत्मा बुलाने की कोशिश की तो लता की आत्मा आ गई। वो इस घर के तहखाने में कैद हो गई। लता मर चुकी थी मगर उसकी ममता अभी भी जिंदा थी। इन दोनों को इस घर के तहखाने में कैद कर दिया। बस एक कहानी है लता की। इसका क्या मतलब हो सकता है? कौन हो सकता है बोली में? शायद लता की आत्मा हमारी मदद करने की कोशिश कर रही है। सकता है उन्हें मैं मैत्री हूँ।